हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल थ्योरी, हर्ज वर्क टू फैक्टर थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड हाइजीन या फिर द डुअल फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी को दिया था फ्रेडरिक हर्ज वर्क ने इन 1959। हर्ज वर्क एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था 1959 में। उन्होंने 200 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू लिए थे और ये इंटरव्यूज उन्होंने तब लिए थे जब वो एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से सबसे ज़्यादा खुश थे या फिर सबसे ज़्यादा नाखुश थे। उसके बाद इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। दिस थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड द प्रपोजिशन दैट टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स कैन बी फाउंड इन ए वर्कप्लेस। हर्ज वर्क ने बताया कि किसी भी वर्कप्लेस में दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं। वन दैट क्रिएट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। एक फैक्टर वो होते हैं जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखते हैं। द अदर दैट कॉजेज डिससेटिस्फैक्शन। अदर टाइप के फैक्टर्स वो होते हैं जो कि डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं एंड रिड्यूस द मोरल एंड ड्राइव ऑफ एम्प्लॉयज टू वर्क। एक एम्प्लॉय के अंदर जो एक काम करने की जो एक खुशी होती है, एक इनर ड्राइव होती है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। फ्रेडरिक हर्ज वर्क पब्लिश्ड हिज स्टडीज। हर्ज वर्क ने एक स्टडी की, उन्होंने वेरियस एस्पेक्ट पे स्टडी की जो कि वर्क एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल को अफेक्ट करते हैं। इस स्टडी को उन्होंने अपनी बुक द मोटिवेशन टू वर्क में पब्लिश किया। ये बुक उन्होंने कब दी थी, 1959 में। अकॉर्डिंग टू हर्ज वर्क द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नो सेटिस्फैक्शन। हर्ज वर्क ने बताया कि सेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो सेटिस्फैक्शन होगा और डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो डिससेटिस्फैक्शन होगा। मीन्स सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को हम अलग अलग स्केल पे मेजर करते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, उन्होंने ये बताया। अब हम बात करते हैं कौन से, उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की थी। वन इज़ मोटिवेशनल फैक्टर एंड सेकंड इज़ हाइजीन फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। विच कैन इंकरेज एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्डर। जब एम्प्लॉय मोटिवेट फील करता है तो वो वर्क हार्ड वर्क करता है, इनकरेज रहता है। और हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं, दीज वॉन्ट इनकरेज एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉय को इनकरेज नहीं करते हैं वर्क हार्ड करने के लिए, बट दे विल कॉज देम टू बिकम अनमोटिवेटेड। वो उनको अनमोटिवेट होने से रोकते हैं। अगर किसी वर्क प्लेस में हाइजीन फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं तो वो एम्प्लॉयज अनमोटिवेटेड रहते हैं, मीन्स डिससेटिस्फाइड रहते हैं। दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज डिससेटिस्फायर एंड मेंटेनेंस फैक्टर। हाइजीन फैक्टर्स को हम मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये सारे फैक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर आएंगे। अचीवमेंट। अचीवमेंट एम्प्लॉय को कब फील होगा, जब उसे कोई काम दिया जाएगा और वो उसको अपने टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसके अंदर एक फीलिंग आती है अचीवमेंट की, जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखती है। रिकॉग्निशन, जब एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको उसके काम के बदले में रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। द वर्क इटसेल्फ, जो भी वो जॉब कर रहा है वो कैसी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए जिससे कि वो एक ऑनरशिप फील कर सके, अपने डिसीजन खुद ले सके, वो इस तरीके की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ पर ग्रोथ या उसको प्रमोशन की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलती हैं, उसको नया क्या सीखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं। अब हम बात करते हैं हाइजीन फैक्टर्स की। हाइजीन फैक्टर्स जैसे कि सुपरवाइज़र, जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ का सुपरविज़न कैसा है, फेयर है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, जिस भी वर्क प्लेस पर वो काम करता है वो हाइजीनिक है या नहीं है, उसके हिसाब से सेफ वहाँ पर सेफ्टी मीन्स, अगर वो किसी ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर खतरा है तो वहाँ पर उसको सेफ्टी किट प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही, तो मीन्स उसको सारी वर्किंग कंडीशंस ये हाइजीन फैक्टर्स में आती हैं।
इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, पे और सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है वहाँ का, है ना, जॉब सिक्योरिटी कितनी है उसकी, कंपनी पॉलिसीज़ कैसी हैं, हर एक के लिए फेयर हैं या नहीं है, तो ये सारे हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं। आपको यहाँ से मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन फैक्टर्स के नाम याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशंस की। अगर हाई मोटिवेशन और हाई हाइजीन फैक्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये एक आइडियलिक सिचुएशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और वो एक मींस अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। हाई मोटिवेशन और लो हाइजीन फैक्टर है तो एम्प्लॉयज़ आर सिग्निफिकेंटली मोटिवेटेड तो रहते हैं बट स्टिल पोस्ट न्यूमरस कंप्लेंट्स, बट उनको कंप्लेंट्स रहती हैं क्योंकि वहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स लो हैं। हाइजीन फैक्टर्स मैंने आपको क्या बताए थे, रिकॉग्निशन, सॉरी, वहाँ पे और जॉब सिक्योरिटी कितनी है, सुपरविज़न कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हाइजीन में आ जाती हैं। लो मोटिवेशन और हाई हाइजीन फैक्टर्स, अगर वहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर्स लो हैं तो एम्प्लॉयज़ खुश तो है वहाँ की वर्किंग कंडीशंस को लेके, अपने पे उसको लेके, बट उसको वहाँ पे रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रही है, वहाँ पे उसको कोई मीन्स अचीवमेंट फीलिंग ही नहीं आ रही है, वो इनिशिएटिव ही नहीं लेगा, तो ये लो मोटिवेशन फैक्टर के केस में होगा। लो मोटिवेशन और लो हाइजीन दोनों ही फैक्टर लो हैं तो ये एक वर्स्ट पोजीशन कहलाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट कॉल्ड फेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस क्या क्या थी हर्ज़बर्ग की थ्योरी की, द थ्योरी ओनली अप्लाइज टू वाइट कॉलर वर्कर्स, ये थ्योरी सिर्फ वाइट कॉलर वर्कर्स पे ही फोकस करती है, ब्लू कॉलर वर्कर्स पे नहीं करती। The theory focus on improving employee satisfaction. Employee satisfaction को इम्प्रूव करने पे ही फोकस कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो employee उसका satisfaction level इम्प्रूव कर देने से वहाँ की प्रोडक्टिविटी, ज़रूरी नहीं कि बढ़ ही जाएगी। There is no objective way to measure employee satisfaction within the theory. उन्होंने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बताया जिससे कि हम employee का satisfaction level को measure कर सकें। टू फैक्टर थ्योरी इज सब्जेक्ट टू बायस, ये एक बायसनेस भी क्रिएट करती है, जैसे कि जब कोई एम्प्लॉई है और वो सेटिस्फाइड है तो वो उसका क्रेडिट खुद को देगा, बट अगर वो वहाँ पे डिससेटिस्फाइड है तो वो किसको ब्लेम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ के एक्सटर्नल फैक्टर्स को, कि वहाँ की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, पे और जो सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वो ब्लेम करेगा, बट अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो उसका क्रेडिट खुद को देगा। कंक्लूज़न क्या है इस थ्योरी का, कंक्लूज़न तो मैंने आपको बताई, हाइजीन, उन्होंने दो टाइप्स के फैक्टर्स की बात की, हाइजीन फैक्टर्स की और मोटिवेटिंग फैक्टर्स की। उन्होंने बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाइजीन फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं तो वो एम्प्लॉयज़ की डिससेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, बट अगर वहाँ पर अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करते हैं उनको इनिशिएटिव लेने के लिए, नई नई क्रिएटिविटी करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए। तो उन्होंने बेसिकली दो टाइप्स के फैक्टर्स की बात की, जो फैक्टर्स हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, वो याद रखनी है। ये थ्योरी किसने दी थी, हर्ज़बर्ग ने दी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, और इनकी थ्योरी के जो अलग अलग नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो दैट इज़ द हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।